दोस्तों नमस्कार, मैं नवीन जोशी बागेश्वर से। अभी आज हम लोग जा रहे हैं हल्द्वानी से कर्ण प्रयाग तक। तो लगभग लंबी यात्रा है हमारी पहाड़ की। तो जो भी रास्ते की गतिविधियाँ होंगी हम आपको शेयर करेंगे। आपको यूट्यूब पे वीडियो अच्छी लगी, लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा, थैंक यू। और इसी गाड़ी से जा रहे हैं हम, इस गाड़ी से आर्टिका का है, आर्टिका का नंबर ये रहा, इस आर्टिका से जाएंगे। के अंदर ये सुंदर सा पेड़ है, इसमें बहुत सारे फूल भी लगे हुए हैं। देखो ऐसे से बुरांस खिला होगा इस तरीके से, इसको देख के बुरांस की याद आ गई हमको। ऐसे गुलाब के फूल भी खिले हुए हैं यहाँ पे, और एक रुद्राक्ष का पेड़ भी दिखाने जा रहा हूँ आपको। ये है रुद्राक्ष का पेड़, अभी रुद्राक्ष तो लगे नहीं है इसमें, लगेंगे कुछ टाइम बाद, है ना। और ये बड़ का पेड़ है, ये देखिए। और ATM से पैसे भी निकाल लेते हैं, ये अभी का खर्चा हो गया 100 रुपये, बहुत है, ज़्यादा खर्चा नहीं होगा ना, खर्चा भी ज़्यादा। ये उस्ताद है हमारे साथ छोटा भाग के, रावत जी। अब चल पड़े हम यहाँ से, जरा मंडी से सामान भी लेना है। चलिए मंडी चलते हैं, ये अंगूर काले वाले अंगूर चल रहे हैं 300 रुपये, और ये 200 रुपये, ये 600 रुपये कीवी। और ये सेठ जी की दुकान है, लाला जी की, इसी दुकान से हमने अंगूर खरीदे थे घर के लिए। ये चारों भाई हमारे पेटी ले लिए उधर भी। अब हीरानगर की तरफ चलती है हम धीरे धीरे हल्द्वानी से। ये हीरानगर का क्षेत्र है, यहाँ जब भी जाओगे आप तो इधर साफ सफाई। दोस्तों पहुँच गए काठगोदाम, ये यहाँ से डाइवर्ट होता है एक नीचे को, जो राइट हैंड को जा रहा है वो हल्द्वानी को जा रहा है, और जो लेफ्ट हैंड को जा रहा है वो हम इसी रूट से जाएंगे। पहुँच चुके हैं कैंची धाम, ये बाबा नीम करोली महाराज का आश्रम है। अब आजकल यहाँ पर पार्किंग का भी काम लगातार जारी है, क्योंकि यहाँ पर आवाजाही में काफ़ी दिक्कतें होती हैं, काफ़ी ट्रैफिक जाम हो जाता है यहाँ पे। ये है बाबा जी का मंदिर, बाबा जी सबके ऊपर आशीर्वाद बनाए रखें। धीरे धीरे चलेंगे हम यहाँ से खैरना की तरफ। देखो आज भक्तों की बहुत भीड़ है यहाँ पर। तो दोस्तों हम निकल गए भुजान की तरफ, रानीखेत वाली जो रोड है, आगे चल के थोड़ा दिन का लंच करेंगे। एक नमन होटल है, काफ़ी अच्छा खाना बनाते हैं वहाँ पे, तो वहीं पर लंच करेंगे। हम बहुत बार लंच कर चुके हैं वहाँ पे, आज दोबारा से फिर से लंच करेंगे। तो चलो चलते हैं होटल पे। हमने रोटी का ऑर्डर दे दिया है, रोटी सब्जी चावल सब खाएंगे। तो ये रोटी बनने लगी है हमारे लिए गर्मा गर्म, और तो चलिए हम टेबल पर बैठते हैं, खाना तैयार है हमारा। ये लग गया खाना, हमारे विनय भाई बैठे हैं, और ये हमारे शेखर भाई हैं, और ये हमारे चारू भाई हैं, और ये ही होटल में खाना खाया था हमने। ये भुजान के पास में रानीखेत वाली रोड पे। दोस्तों ये सिमल का फूल है, ये इस तरीके का, और इसके नीचे की गुठली इसकी सब्जी बनती है, बहुत टेस्टी सब्जी होती है। अब हमें भी पता नहीं था, कोई बुजुर्गों ने बताया था हमको इसके बाद। तो ये जगह है भिकियासैंण, और जो आपको बोर्ड दिख रहा होगा, जिस तरफ को बोर्ड लगा हुआ है ये जा रहा रानीखेत को, और जो मेरे बाएं हाथ को जा रहा है वो जा रहा है ताड़ीखेत को। तो हम जाएंगे दाहिने हाथ की तरफ, ये सीधे रानीखेत को टच करेगा, तो रानीखेत डिग्री कॉलेज तक जाएंगे हम। इसी गाड़ी से ट्रैवलिंग कर रहे हैं हम, राव जी की है ये। ये रानीखेत में जय जवान जय किसान एक जगह है, तो वहाँ पर ये मूर्ति बनाई गई है, काफ़ी अच्छा। दोस्तों ये है द्वाराहाट का PG कॉलेज, अभी हम द्वाराहाट में हैं, शाम के बज रहे हैं 5:30। ये हमारा उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का अध्ययन केंद्र भी है इसमें, और ये जो मेरे पीछे देख रहे हैं आप, ये द्वाराहाट है। अब द्वाराहाट से हम निकलेंगे मासी चखुटिया की तरफ, है ना। तो मासी चकुटिया का भी आंखों देखा हाल आपको दिखाएंगे, आपको अच्छा लगा। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं चकुटिया, तो अब हम रात का होटल ले लिया है इसमें, इसी में रुकेंगे रात को, फिर कल सुबह यहां से हम कर्ण प्रयाग की यात्रा करेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा, धन्यवाद।